एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशंस का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप वहां जाके देख सकते हैं। सो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह से इस क्वेश्चन में किसको क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। सो उससे पहले हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइज निकालना है। चलिए स्टूडेंट, करना स्टार्ट करते हैं। सो 5pq ब्रैकेट p की स्क्वायर माइनस q की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p ब्रैकेट p प्लस q, राइट। सो स्टूडेंट, जिस तरह से p की स्क्वायर माइनस q की स्क्वायर है, राइट। सो जिस तरह से फॉर्मूला होता है हमारा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, राइट। सो p प्लस q एंड p माइनस q, राइट, डिवाइडेड बाय 2p p प्लस q, राइट। इस तरह से p प्लस q ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगे, राइट। एंड 5pq 2p, सो p यहाँ पे भी है एंड p यहाँ पे भी है, सो p एंड p ये दोनों कट हो जाएंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2q ब्रैकेट p माइनस q। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, इसके सिक्स पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, इसके सिक्स पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। 12xy ब्रैकेट 9x की स्क्वायर माइनस 16y की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट 3x प्लस 4y। सो पहले इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 12xy ब्रैकेट पे जिस तरह से 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3x की स्क्वायर, बिकॉज 3 जा 9 होता है, माइनस 16 मीन 4 जा 16 होता है, राइट, डिवाइडेड बाय 4xy 3x माइनस 4y, राइट। सो फ्रेंड, जिस तरह से 12xy 3x की स्क्वायर माइनस 4y की स्क्वायर, सो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, सो 3x माइनस 4y एंड 3x प्लस 4y, राइट, डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y, राइट। सो 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y ये दोनों कट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 4 जा 4 4 3 जा 12, एक्स को एक्स से कट कर देते हैं एंड वाई को वाई से कट कर देते हैं। सो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट 3x माइनस 4y। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, इसके सेवन पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सो सिमिलर स्टूडेंट, इसका सेवेंथ एंड लास्ट पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। 39y की क्यूब ब्रैकेट 15y की स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y की स्क्वायर ब्रैकेट 5y प्लस 7, राइट। सो स्टूडेंट, 39y की क्यूब, राइट। सो जिस तरह से स्टूडेंट 50 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट, और ना ही 98 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में कोई कॉमन नंबर लेंगे जिसके टेबल्स में 50 भी है और 98 भी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2, राइट। सो 2 के टेबल में 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे, सो आंसर इज 25y की स्क्वायर माइनस 2 को 98 से डिवाइड करूंगी तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 49। मीन्स 2 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगी 50 आएगा एंड 2 को मैं 49 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 98 आएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 26y की स्क्वायर ब्रैकेट 5y प्लस 7, राइट। सो 39y की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, सो 25y की स्क्वायर, मीन 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इट मींस 5y की स्क्वायर माइनस 49 जिसका स्क्वायर रूट है 7, 7 की स्क्वायर 7 7 जा 49, राइट, डिवाइडेड बाय
26 y के स्क्वायर एंड 5y प्लस 7, राइट। सो 39 y के क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, जिस तरह से a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, इट मींस 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7, राइट, डिवाइडेड बाय 26 y के स्क्वायर 5y प्लस 7। सो 5y प्लस 7, 5y प्लस 7, ये दोनों कट हो जाएंगे, राइट। सो 2 को 2 एंड 26 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6, राइट। सो 13 वन जा 13, 13 थ्री जा 39, राइट। सो ये वहां यहाँ पे y की स्क्वायर है और ये y की क्यूब है, इट मीन y थ्री टाइम्स है और नीचे y टू टाइम्स है, तो 2y को हम कट कर देंगे और ऊपर क्या रह जाएगा, 1y रह जाएगा, राइट। सो आंसर इज 3y ब्रैकेट 5y माइनस 7। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सलूशन समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक सलूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।